We had done equation of continuity yesterday. Now we are going to start with Bernoulli's theorem. Before that, tell me equation of continuity. What do you understand by this? Yes. What is equation of continuity? Kaun batayega statement? Equation of continuity. AV equal to constant means product of area of cross section and velocity of liquid through a pipe always remains a constant. Area of cross section is inversely proportional to velocity of the liquid for ideal liquid. What do you mean by ideal liquid, Shreya? Ideal liquid kisko kehte hain, Shreya? Ye copy band kar do, uski to zarurat hi nahi hai. Batao. What do you mean by an ideal liquid? सेंटर ऑफ मास की मोशन जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है. आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ अ क्रैकर बर्स्टिंग इन द मिड नाइट एयर एंड इट बर्स्ट इट डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स बट स्टिल द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स पैराबोलिक. इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, राइट? तो वो उसी की एक सिमुलेशन है. वो देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर शेप की, उसको जब हम थ्रो करेंगे तो वो इस तरह से कर्ल होती हुई जब नीचे भी आएगी तो भी उसके सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करिए कि कैसी मोशन है उसकी. ठीक है, ये देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दोबारा से देखो, ऑफ कर दिए. ठीक है, ये देखिए रेड लाइन जो है वो सेंटर ऑफ मास की मोशन को डिपिक्ट कर रही है. रेड लाइन जो है, I again reset it. ये इस shape की object है, तो इसको ऐसे करके फेंका. You can imagine, ऐसे करके फेंका तो वो curl करती जा रही है, but center of mass is still moving along a parabolic path. ठीक है, बाकी वीडियो में देख लेना. ठीक है, यस, व्हाट आर यू सेइंग? हाँ चलो ठीक है, ओके. बर्नौलीज थ्योरम, नाउ दिस इज वन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्लूइड्स और लिक्विड्स. आप कह सकते हो कि बर्नौलीज थ्योरम इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी एनर्जीज होती है? अगेन वी आर टेकिंग आइडियल लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड वी आर टेकिंग फॉर दिस थ्योरम. द सम ऑफ, लिखिए द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लिक्विड, फॉर एन आइडियल लिक्विड. लिखिए स्टेटमेंट, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, for the streamlined flow of an ideal liquid, the sum of kinetic energy, potential energy, the sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy remains a constant. Sum of kinetic energy, potential energy and pressure energy remains a constant. ओके फाइन, अब प्रेशर एनर्जी क्या होती है वही आपको देखना है. ठीक है, और यू कैन से पी बाय रो प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एच इज अ कांस्टेंट. दिस इज द फॉर्मूला एंड दैट यू विल बी यूजिंग इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव इट. पी इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी, वी इज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, जी यू नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज हाइट. ठीक है, P by rho, this term relates to pressure energy.
हाफ वी स्क्वायर आपने आइडिया लगा लिया होगा, ये इट इज कमिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी एंड एमजीएच से ये जीएच टर्म आ रही है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट। सो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट। ओके सो लेट अस प्रूव दिस नाउ। अगेन वी आर टेकिंग अ ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, a tube of varying area of cross section. So this is A point, this is B point. Pressure at this point is P1, here it is P2. Velocity of liquid entering is V1, velocity of liquid leaving is V2. Area of cross section here is A1 and here it is A2. Plus the height of this end from the ground is H1 say, and height of this end from the ground is say H2. So take these particulars. We are taking two points across the cross-sectional parts of a tube of varying area of cross-section, and at A point pressure, velocity and area of cross-section are P1, V1, A1 respectively, and at B point these are P2, V2 and A2 respectively. Height ground se, ground level se le. We are taking the height from the ground level. Now, what is work done per second by liquid entering the tube or pipe? अब जब लिक्विड एंटर करेगा तो कुछ वर्क भी तो करना पड़ेगा ना उसको, इट हैज टू क्लाइम थ्रू सर्टेन हाइट, तो लिक्विड को भी कुछ वर्क करना पड़ता है। तो अगेन वी आर टेकिंग पर सेकंड बिकॉज आई टोल्ड यू कि इस आर्टिकल के लिए भी हम एम क्या लेने वाले हैं, मास पर सेकंड, मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब हम एम यूज करेंगे तो ये वर्क डन भी पर सेकेंड ही होगा। तो हम ये सारी चीजें पर सेकेंड ही ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, एवरीथिंग, राइट। तो अब आप देखना कि किस केस में आपका प्रेशर इन्वॉल्व होता है, तो दैट टर्म विल कॉरेस्पॉन्ड टू प्रेशर एनर्जी, राइट। सो वर्क डन बाय द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड, वर्क डन बाय लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा सा रफ में कर लेते हैं फिर से, कैसे लिखेंगे वर्क को। वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप कैसे लिख सकते हो, प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज पी इज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाय ए। तो वहां से आप एफ को लिख सकते हो पी इनटू ए। अब वर्क डन पर सेकेंड है तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय टाइम। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप लिखोगे वेलोसिटी। So this is what we are going to use for work done per second, PAV. So work done per second, W1 you can say, at this end can be written as P1, A1, V1. P kya hai? Pressure. A is what? Area of cross section. V is what? Velocity of liquid. So ye per second hai, humne pehle time se divide kar diya. सेम वे वर्क डन बाय लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर सेकेंड, इट कैन बी रिटन एज P2 A2 V2 P2 A2 and V2। हाउ मच इज नेट वर्क डन, आपको ये कैन यू गेस की विच टर्म इज ग्रेटर आउट ऑफ दीज टू, नेट वर्क डन पर सेकेंड कौन सी टर्म ग्रेटर होगी। यू कैन सी A1 इज ग्रेटर, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो जहां पे V1 स्मॉलर होता है, अभी वैसे हमारा रिजल्ट आएगा यहां से, वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो दिस टर्म P1 A1 V1 इज गोइंग टू बी मोर, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन P2 A2 V1, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंस हम लेंगे बिगर माइनस स्मॉलर, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो इसका मतलब प्रेशर एनर्जी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन पर सेकेंड। सो दिस वर्क डन पर सेकेंड इज नथिंग बट आर प्रेशर एनर्जी पर सेकेंड, राइट।
अब रिमेम्बर कल हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की थी, व्हाट वाज दिस ए वन वी वन एंड ए टू वी टू इक्वल टू एम बाय रो, याद है ना? तो ये हम यूज करेंगे ए वन वी वन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही लिख लेते हैं, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू equal to m by rho, where what is m? Mass of liquid per second. So let us put here the value of a1 v1 and a2 v2 equal to m by rho. So our work done per second kya ban jayega? So work done per second w, that is p1 m by rho minus p2 m by rho. We call it equation number one. So we have noted pressure energy per second. Change in pressure energy per second, because it is equivalent to net work done per second. This is our equation number one. Ek step dekh lijiye. One third of derivation. Pressure energy we have done. हाँ लेंगे common बाद में, अभी जरूरत नहीं है उसको कॉमन लेने, क्योंकि बाद में डेरिवेशन में स्प्लिट ही होने वाला है। यस, इसको पुट किया a1 v1 को m by rho, व्हाट डू वी गेट? p1 m by rho, a2 v2 इज आल्सो m by rho, सो वी गेट p2 m by rho। ठीक है, चलिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड? काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंटरिंग द पाइप पर सेकेंड कितना होगा बताओ? दैट विल बी हाफ एम वी वन स्क्वेयर। मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड है तो ऑटोमेटिकली दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, बिकॉज एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, और वो तो सेम ही है, तो एम वन एम टू लेने का तो कोई यूज ही नहीं है। हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बता चुके हैं कि मास डेंसिटी रिमेन्स द सेम, वॉट एवर मास ऑफ लिक्विड इज एंटरिंग द पाइप विल लीव द पाइप। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड नाउ फ्रॉम द अदर एंड? देयर द लिक्विड वेलोसिटी चेंजेस टू वी टू, सो इट इज हाफ एम वी टू स्क्वेयर। नेट और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इज, दैट मीन्स so change in kinetic energy per second is final minus initial, greater minus smaller. तो a1 हमारा larger था तो b1 was smaller, इसका मतलब v2 is greater, तो यहाँ पे हमारा difference आएगा half m v2 square minus half m v1 square. This is our equation number two. We have found change in kinetic energy also. So we have found change in kinetic energy too. Two steps are clear to you. Pressure energy हो गई in terms of pressure, फिर kinetic energy हो गई, अब हम आ रहे हैं potential energy. So because of different height from the ground. So what is potential energy of liquid entering the pipe? MgH सीधा MgH1, because its height from the ground is H1. Liquid जब enter कर रहा है उसकी height ground से कितनी है? H1 है। Potential energy of liquid leaving per second is MgH2. How much is change in potential energy of liquid per second? अब कौन सी ग्रेटर है? देख सकते हो H2 is greater. So MgH2 minus MgH1. This is our equation number three. This is equation number three. देख लो तीनों equations. Changes हमने निकाल लिए, net work done निकाल लिया. ठीक है? Just now we are going to apply work energy through.
वर्क एनर्जी थ्योरम आपने अभी तक ये फॉर्म किया है दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हियर वी विल बी यूजिंग दैट नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी पर सेकेंड लेंगे हम सारा कुछ. ठीक है, सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम और डायरेक्टली यू कैन राइट नेट वर्क डन बाय द लिक्विड पर सेकेंड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड. पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड. सो जस्ट पुट इन द वैल्यूज फ्रॉम 1, 2 एंड 3. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से वैल्यूज पुट कर दो. P1 m by rho minus P2 m by rho is equal to half m V2 square minus half m V1 square plus mgh2 minus mgh1. So just we have put in the values from equations 1, 2 and 3. m कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने कॉमन नहीं लिया था इनको, क्योंकि अब 1 वाली टर्म्स इधर ले आइए, 2 वाली टर्म्स उधर ले जाइए, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करनी ही पड़नी थी. सो m गेट्स कैंसल्ड इन ईच एंड एवरी टर्म एंड वी आर लेफ्ट विद p1 बाय रो माइनस p2 बाय रो is equal to half V2 square minus half V1 square plus GH2 minus GH1. अब 1 वाली terms minus वाली दोनों इधर ले आइए, 2 वाली उधर ले जाइए. P2 by rho will become positive here. Is this step clear? 1 वाली टर्म्स इधर कलेक्ट कर ली, 2 वाली उधर ले गई. लाइक वी से a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 अगर है तो av इज अ कांस्टेंट. सेम वे अगर हम कह रहे हैं कि p1 बाय रो प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इज इक्वल टू p2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2, दैट मींस p बाय रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस gh इज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो ये वाला 1 इज इक्वल टू वो वाला 2, तो इसका मतलब p बाय रो प्लस हाफ बी स्क्वायर प्लस gh इज अ कॉन्स्टेंट. दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज. सो यू गॉट दैट फॉर्मूला. इसकी 2-3 फॉर्म्स हैं जिसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर आप रो को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तो कोई और फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, और अगर आप यही एलसीएम ले लेते हो, यहाँ पे पी अकेला रह जाएगा ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो, तो ये पी अकेला रह जाएगा, तो आप उसको प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड ऐसे भी कह सकते हो. सो सम डिफरेंट फॉर्म्स आर आल्सो अवेलेबल, बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ बर्नौलीज थ्योरम दैट वी विल बी यूजिंग इन एप्लीकेशन एज वेल. तो प्रूफ देख लीजिए. इस बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देर आर सर्टन अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस भी यहाँ पे हमें लेनी पड़ेंगी. ठीक है, अदरवाइज बर्नौलीज थ्योरम वोंट बी एप्लीकेबल एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वोंट बी होल्डिंग. तो वो कौन सी अजम्पशंस हैं, थोड़ी सी लिख लो अजम्पशंस. यहाँ पे क्या क्या अज्यूम किया गया है, एक तो ये कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड नेवर एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन इन दिस पाइप. ये हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे ये जो पाइप के अंदर लिक्विड की वेलोसिटी है दैट इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी. सो अजम्पशन 1 इज वेलोसिटी ऑफ लिक्विड नेवर एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड नेवर एक्सीड्स द क्रिटिकल वेलोसिटी इनसाइड द पाइप. सेकेंड अजम्पशन व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकती है, और क्या हमने किया है इसमें, ग्रेविटी इग्नोर की है हमारे पास, तो ये टर्म है जी वाली, नहीं की इग्नोर.
हाँ एक तो ये कि लिक्विड इज आइडियल, वी हैव अज्यूम्ड द लिक्विड टू बी आइडियल, कि इसकी डेंसिटी सेम है थ्रू आउट और ये इरोटेशनल है लिक्विड, स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो आ गया वेलोसिटी में ही, और नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी को हमने एब्सेंट अज्यूम की है, ठीक है, वो सारा आइडियल लिक्विड के अंदर आ जाएगा. वन मोर अजम्पशन इज द इफेक्ट ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैज बीन इग्नोर्ड. हमने जब ये पाइप ली है वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, कर्व्ड पाइप, तो जब लिक्विड बेंड करेगा तो बेंडिंग के टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी तो एक्ट करेंगे ना, उनको हमने इग्नोर किया. सो वी हैव इग्नोर्ड द इफेक्ट्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. द इफेक्ट्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस व्हाइल बेंडिंग इन द पाइप हैज बीन इग्नोर्ड. तो ये इफेक्ट्स हमने इग्नोर किए. One special case. Now come to special case. If the pipe were horizontal, अगर वो pipe horizontal होती तो H1 H2 के equal होता, H1 H2 equal होते, इसमें put करिए GH1 is equal to GH2, same हो जाता, ये term cancel out हो जाती. अगर हमारी height same होती, tube horizontal होती, तो H1 H2 के इक्वल होता, ये H वाली टर्म हमारी कैंसल आउट हो जाती, तो आपके पास सिर्फ ये बचता P by rho plus half V square is a constant. So this gives us relation between pressure and velocity. This is the main outcome of Bernoulli's law. कि यहाँ से हमें प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन मिल रहा है कि if one term is increasing, other term will be decreasing, so that their sum is constant. ठीक है, तो अगर प्रेशर और वेलोसिटी, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली. तो अब रिलेट करिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी लेस. और अब यहां से रिलेट करिए, वेलोसिटी इज लेस देन प्रेशर विल बी मोर. तो अब हमारा प्रेशर के साथ भी रिलेशन है. हाँ जी, तो अब आप इन तीन चीजों को रिलेट कर सकते. गॉट इट? सो दिस इज आवर बर्नौली थ्योरम अलोंग विद द प्रूफ, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है अगर डेरिवेशन. स्पेशल केस ये है, इफ द पाइप वर हॉरिजॉन्टल, एच वन एच टू सेम होंगे हमारे, है ना, यहां पे पुट करिए, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो ओनली दिस टर्म, दिस वन इज इक्वल टू दिस टू, तो ये आपका कांस्टेंट है, मतलब एच वाली टर्म नहीं आएगी, बाकी का कांस्टेंट आ जाएगा. इसका मतलब प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. हैव अ लुक एट द होल डेरिवेशन वंस. Applications. Next topic is applications of Bernoulli's theorem. Applications of Bernoulli's theorem. First is तो जो कुछ हाउसेस होते हैं, हट्स वगैरह होती हैं, उनकी जो रूफ्स हैं, रूफ्स आर ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, होता है ना ऐसे विलेजेस वगैरह में जो रूफ ही उड़ जाती है घर की जब स्टॉर्म आता है, तो वो बर्नौली थ्योरम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ, अब आउटसाइड जो है विंड बहुत हाई ब्लो कर रही है, स्पीड इज वेरी हाई, तो वेलोसिटी इज मोर आउटसाइड. तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम प्रेशर, लेस प्रेशर इज क्रिएटेड देयर. अब अंदर क्या है, वेलोसिटी नॉर्मल है एयर की, विंड स्पीड तो लेस ही है घर के अंदर, तो प्रेशर इज मोर हियर.
and anything moves from the region of high pressure to low pressure. So this pressure difference will be exerting a lot of pressure on the roof of the house. ठीक है, क्या होगा? एंड अब ऐसे भी होता है प्रेशर डिफरेंस, बाहर तो एयर ज्यादा ही ब्लो करती है, अंदर नॉर्मल होती है विंड स्पीड, सीधे बैठना तो, पर ये प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि ये रूफ को उड़ा के ही ले जाए. एनीथिंग मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट्स ट्रू, बट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स ये विंड स्पीड इतनी हाई हो जाती है एंड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि प्रेशर, लार्ज प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ हाउस. So this pressure difference blows the roofs of house. So it takes away the roofs of house. Okay, so blowing off of roofs of houses during storms, that is an example of Bernoulli's theorem. So we can relate velocity and pressure. Is that clear? So likh lijiye pehla example, pehli application, blowing off of roofs of houses during storms. So large pressure difference created that blows off the roof.